हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ नोमैड जाट। और आज मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ। और मैं जा रहा हूँ आज लैंसडाउन, और लैंसडाउन मोदी नगर से 220 किलोमीटर दूर है। सो आज मैं काफ़ी लेट हूँ, 8:30 बज रहे हैं, सुबह नहीं निकल पाया आज। सो अब निकला हूँ, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और लैंसडाउन में हम किस जगह जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं परतापुर, और मैं आज आपको रास्ता बताऊंगा कि किधर से जाना है और बीच में क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या शहर आएंगे। सो फिलहाल हम जाएंगे मोदीपुरम, क्योंकि मेयर सिटी से अंदर इस टाइम जाम मिलेगा, तो हम मोदीपुरम जाएंगे। थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर मेयर अंदर से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे इस वाले रास्ते से। मोदीपुरम से फिर बताऊँगा कहाँ मुड़ना है, मतलब मोदीपुरम से राइट लेना है, राइट लेके लेफ्ट लेना है जो सड़क गई है दोराड़ा उस रोड पर, और दुराला से मसूरी और मसूरी से मोहन होते हुए सीधा। तो अब चलते हैं सीधा मोदीपुरम। सो ये है वो दुराला और मसूरी वाली रोड, और मसूरी से मेरे राइट हैंड पे 6 किलोमीटर और दुराला लेफ्ट हैंड पे 7 किलोमीटर। इधर से आने का एक ही वो था कि मेरठ का जो ट्रैफिक था, जो जाम था, वो क्लियर हो गया। और वो मेरठ से भी 10 किलोमीटर आगे मसूरी गांव पड़ता है, वहाँ निकलेंगे और वहाँ से सीधा बड़े मवाना होते हुए वजीराबाद। सो अभी हम हैं कैथोड़ा में। अगर आपको इधर मतलब लैंसडाउन आना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो सीधा खतौली से निकल के होता है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, और एक ये मेरठ से आप सीधा मेरठ क्रॉस करके मसूरी आओ, मसूरी से सीधा चलो भैसुम्बा, बिल्कुल सीधी रोड है, कहीं नहीं मुड़ना। भैसुम्बा से अभी आया कैथोड़ा, तो कैथोड़ा के नेक्स्ट आएगा मीरापुर, मीरापुर से आएगा बिजनौर, और बिजनौर से फिर आगे बताएंगे। अभी हम कैथोड़ा आए, कंटिन्यू 1.5 घंटा हो गया हम चलते चलते। जस्ट कैथोड़ा से निकलते ही यहाँ आपको एक ये टी पॉइंट मिलेगा। अगर आपको मुजफ्फरनगर जाना है तो आपको सीधा जाना है, और हमें जाना है बिजनौर की साइड, तो हमें इधर जाना है राइट। ये देखा बिजनौर पौड़ी। नजीबाबाद 60, बिजनौर 26, और पौड़ी यहाँ से 206 किलोमीटर दूर, तो बिजनौर 26 किलोमीटर दूर है। गंगा बैराज, चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज बिजनौर, और यहाँ से इस बैराज के बाद बिजनौर स्टार्ट हो गया। और इस बिजनौर का मैंने एक पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस ब्लॉग में दी गई है, और अच्छी तरह इसको एक्सप्लोर किया है उस ब्लॉग में मैंने चारों तरफ से। सो आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, आज तो जलस्तर बहुत ज़्यादा है यहाँ का, उस टाइम तो बहुत कम था जलस्तर, आज तो बहुत ज़्यादा लेवल है पानी का। और ये बैराज 500 मीटर लंबा है, और 28 गेट है इस बैराज में, मतलब जो पानी रोकने के गेट होते हैं जो ये है, देखिए इधर काउंटिंग चल रही है 18, 17, 16, ये देखिए 15, ये 28 है टोटल, और काफ़ी बड़ा बैराज है ये। और उधर मुर्दा घाट है, और ये स्नान घाट है मेरे राइट हैंड पे, देखो। और यहाँ ये बोटिंग भी कराते हैं। एक ब्लॉग मैंने इस पे स्पेशल बनाया हुआ है, आज टाइम नहीं है इसलिए रुकेंगे नहीं, यहाँ पे सीधा निकलेंगे। सो अभी हम हैं नजीबाबाद, और नजीबाबाद मतलब बीच में नजीबाबाद सिटी में अंदर, और यहाँ से कोटद्वार है 26 किलोमीटर दूर, और बिजनौर के बाहर से सड़क गई है, अच्छी रोड है, थोड़ी बीच में आगे ख़राब थी बस, बाकी नजीबाबाद भी बहुत बड़ा है। और नजीबाबाद से सीधा कोटद्वार है जो कि 26 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे सिद्धवली मंदिर है, उसका भी सिद्धवली धाम का व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे उस पर देख सकते हो।
और अब जो अभी हम रुक के चाय पी एक जगह, क्योंकि फिर से 1 घंटा बाइक चलाने के बाद एक वो लिया स्टॉप। अब डायरेक्ट हम रुकेंगे कोटद्वार के बाद ही, मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता अब कवर कर लें। और अब वन वे आ गए, क्योंकि पहले भी जब मैं आया था थोड़ी रोड ख़राब थी, मतलब बिल्कुल क्लियर रोड नहीं है, गड्ढे हो रखे हैं बीच बीच में, ज़्यादा आप तेज नहीं चला सकते, 60-65 बार ब्रेक लेने पड़ते हैं, मतलब क्योंकि वन वे है एक तो, और ऊपर से गड्ढे हो रखे हैं बड़े बड़े। सो चलते हैं, तो वेदर ने साथ दिया है, अभी तक कोई बारिश वारिश कुछ नहीं हुई। नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, राइट चलना, यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। हरिद्वार इधर है, नजीबाबाद कोटद्वार इधर है। हम कोटद्वार के रास्ते में ही है और मैं एक जगह रुक गया था, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा दूँ, अल्टीमेट व्यू आ रहा है सामने का, देखो जस्ट सामने पहाड़ दिख रहे हैं और उनसे बादल निकलते हुए, ऑसम। यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो गए, एक नदी है उसके ब्रिज पर खड़े हैं हम, मुझे लग रहा है यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर दूर रह रहा है बस। ऑसम व्यू है, ऑसम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार की सीमा में, एंट्री हो चुकी है और यहाँ से लैंसडाउन है 40 किलोमीटर, जो कि हमें लैंसडाउन जाना है। और अब यहाँ से यूपी ख़त्म, उत्तराखंड की सीमा स्टार्ट होगी। हेलमेट लगा लियो, और उत्तर प्रदेश वाणिज्य वन विभाग, उत्तराखंड पुलिस, वेलकम टू उत्तराखंड। सो हम आ चुके हैं उत्तराखंड में, अब यहाँ से 44 किलोमीटर और चलना है। और कोटद्वार में ही सिद्धबली धाम है, मैंने आपको बताया था अभी, हार्दिक स्वागत करता है निगम कोटद्वार। कोटद्वार 2/56 बोडी 108। पहाड़ भी स्टार्ट हो गए सामने, मेरे जस्ट सामने आप देख रहे होंगे व्यू आने लगे। सो अब सिद्धबली मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रह गया है, और जिस चीज का सुबह से इंतजार था, व्यू और ये रोड और बाइक चलाने का मजा, यहाँ वो समय आ गया। आज नहीं रुकेंगे हम सिद्धबली मंदिर पर, क्योंकि हमें आगे जाना है, अभी टाइम कम है, 12:30 बज रहे हैं अभी। 1 44 किलोमीटर का मतलब है कि 1.5 से 2 घंटा अभी हमें लग जाएंगे लैंसडाउन जाने के लिए। सो आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बाकी मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा एक बार, ऐसे ही राइट हैंड पे मेरे सिद्धबली मंदिर ही है, अभी दिखाऊंगा। बाकी अगर आपको सिद्धबली धाम का ब्लॉग देखना हो तो मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके उसे भी देख सकते हो। ये सड़क गई है सिद्धबली मंदिर मेरे राइट हैंड पे, ये रहा, और वो आपको दिख रहा होगा ऊपर, वो सिद्धबली मंदिर है, वो है सिद्धबली मंदिर। असली सफर का मजा लेते हुए चलते हैं आगे। ये देखो इधर, ये सिद्धबली मंदिर ही है, और व्यू आप देख ही रहे होंगे, पहाड़ शुरू हो गए दोबारा। और ये देखिए नीचे हो नहा रहे हैं कुछ लोग, सही जगह यार ये भी।
और छोटे छोटे वाटरफॉल तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, बहुत से हैं जो छोटे छोटे वाटरफॉल हैं जो माउंटेन के बीच से निकल रहे हैं। जैसे ही आप कोटद्वार से थोड़ा ऊपर आओगे 10-12 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह पड़ती है दुगड्डा। उस दुगड्डा से एक ब्रिज आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेना है, फिर आप आगे आओगे एक टी पॉइंट आएगा, वहाँ से आपको राइट लेना है लेस डाउन के लिए, और ये रास्ता जा रहा है लेस डाउन। बाकी आप रोड देख रहे हो, व्यू देख रहे हो, तो देखो और वेदर तो यहाँ पे रहता ही कमाल है, ऑसम। और अगर पता नहीं पर मुझे इतनी शांति मिलती है, इतना खुशी होती है यहाँ आने के बाद कि बस कहना कि बिल्कुल मन खुश हो गया अंदर से, वो वाली फीलिंग। और बाइक राइड करने में तो डबल हो जाए, कार से इतना मज़ा नहीं आता यहाँ पर जितना बाइक राइड। बस कहाँ कार का ये है कि आप कंफर्ट में रहते हो और बारिश वारिश से बच जाते हो, बाकी जो असली मज़ा है ना वो बाइक का ही है, वो भी सब नहीं ले पाते। सो और अभी यहाँ से लेंस डाउन रह गया है 24 किलोमीटर, एक घंटा आराम से लग जाएगा 24 किलोमीटर जाने में। अभी हम रुक के कुछ खाएंगे, भूख भी लग चुकी है, सही 12 बज गए, और वहाँ से चलने चलने भी है, बीच में एक दो बार स्टॉप लिया हमने, पर फिर भी ऐसा प्रॉपर स्टॉप नहीं ले पाए कहीं भी कि भाई आधा घंटा है एक घंटे का, मुश्किल से 10 मिनट रुके हैं, जहाँ रुके हैं एक बार पानी पिया, एक बार चाय पिए, वो भी 10 मिनट में चल रहे थे। तो अब की बार थोड़ा आगे जाके ठीक सी लोकेशन व्यू के वहाँ रोक के और कुछ खाने पीने का लिया है, वो खाएंगे बैठ के। बाकी आप नज़ारे के मज़े लीजिए, द कोबेट डाउन टाउन। और सबसे बड़ी बात ये कट, ये मोड, मतलब एकदम से सरप्राइज, आप सीधे जा रहे हो एकदम से ऐसे टर्न लोगे, और ये यहाँ नीचे राइट हैंड पे कॉटेज बनाए हुए हैं, गंगा व्यू मतलब नदी के रिवर व्यू के पास। और जब लास्ट टाइम आया था मैं, तो मैंने यहाँ मतलब रात हो गई थी, तो मैं उनसे पूछा था, उस टाइम पे सीज़न था तो उन्होंने थोड़ा रेट हाई कर रखे थे, अब सीज़न ऑफ है तो अब थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे। अभी भी हम लेंस डाउन के रास्ते में ही हूँ, और इधर से आया हूँ मैं, और मैं मतलब एक जगह लोकेशन इतनी अच्छी आई कि मैं रुक गया, दिखा दूँ आपको भी, खड़ी मेरी एम्प्टी, और देखो एकदम से ना धूप आ गई, और धूप से जो क्लियर व्यू आया है ये सामने का, ओ भाई अलग ही है, अलग ही। और इधर जाना है अभी, और ये इधर साइड का व्यू, पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं ये। सो देरी ना करते हुए चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स अभी हम लेंस डाउन के रास्ते में ही है, और एक जगह रुक गया मैं क्योंकि कुछ खाना था और स्टॉप लेना था, काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते। तो मैं पहले भी आया था, जब भी हम यहीं रुके थे, इतनी परफेक्ट जगह है ना ये, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे चारों तरफ सीट के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और ये पीछे रोड जा रही है, मतलब अल्टीमेट लोकेशन होती है ना जिसे कहना कि फ़ोटो शूट करने के लिए, या मतलब परफेक्ट लोकेशन है इस जगह से, वाकई में प्यार हो गया। अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो एक दो दिन का टाइम है आपके पास, पर आपको एक अच्छी लोकेशन पर घूमना है तो लेंस डाउन सबसे बेस्ट लोकेशन है आपके लिए। और आप अभी मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखूंगा 360।
अभी भी यहाँ से लेंस डाउन ठहरा है 9 किलोमीटर और आप मेरे इधर राइट हैंड पे व्यू देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। ये देखो और मुझे लगा इसके पहाड़ के उस साइड लेंस डाउन सिटी है। और जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पे इन पेड़ों में जो मेरे लेफ्ट हैंड पे है इनमें आग लगी हुई थी, मतलब जलाए हुए थे पेड़, तो मतलब अलग ही हो रहा था इनका कलर भी है वो भी। और अब तो काफ़ी ग्रीनरी है, तब तो बिल्कुल ऐसे हो रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ गए। मेरा पहला व्लॉग देखना आप कोट द्वार से लेंस डाउन वाला, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, पहुँच चुका हूँ मैं लेंस डाउन और लेंस डाउन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी इसलिए ये व्लॉग यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे पसंद ही है, इसलिए मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ लेंस डाउन, दोबारा एक नई जगह एक्सप्लोर करने आया हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।